ये यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड है, मैं उस स्कूल में पढ़ा हुआ, वहाँ से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारी क्लास थी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कहाँ खेतों में आ गए एकदम। हेलो नमस्ते, सारे कैसे हैं? आई होप सारे अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। जल्दी से उठते हैं, रेडी होते हैं रनिंग के लिए। सो मिलते हैं। ठीक है भाई, ये मयूर स्कूल है इधर आगे की तरफ और पीछे वहाँ पे ट्रैक है। सो वर्कआउट ख़त्म हो गया है। ये यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पर टूर्नामेंट्स भी होते हैं और सैटरडे सैटरडे यानी वीकेंड्स को यहाँ पे मैचेस भी खेले जाते हैं। कि इतना ज़्यादा स्पेस देता है, इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, चौपासना स्कूल में। 90s के अंदर ये एशिया की नंबर वन स्कूल थी चौपासना स्कूल, और बहुत सारे चेंजेस भी करे गए थे। पहले मयूर स्कूल नहीं थी, पहले इस मयूर स्कूल की जगह ही चौपासनी स्कूल थी। और ये है लाल ग्राउंड जहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेली जाती है। ग्राउंड बहुत ज़्यादा जल्दी खुलता है जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि पूरा अंधेरा होता है ऑलमोस्ट, और लाइट्स भी नहीं है अंदर, तो जिसकी वजह से थोड़ा रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। सो जैसे ही उजाला होता है तब तक ग्राउंड बंद होने का टाइम हो जाता है। ये ग्राउंड से बहुत ज़्यादा सेंटीमेंटल्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे, जो छोटी बॉल नहीं आती है, अपन क्रिकेट खेलते हैं जिससे, उससे पहले तो ये कुछ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रखी थी, तो इसी से कूद के आ जाते थे, ऐसे करते थे। वो स्कूल है वहाँ पर हमारी जहाँ पर हम लोग पढ़ते थे, वहाँ से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारी क्लास थी। ये स्कूल मोस्टली इतने अच्छे नेचर में है क्योंकि इसके आसपास सारी की सारी क्या ग्रीनरी है, जिसके कारण से ना ये पूरी एकदम नेचुरल टाइप लगती है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो बेस्ट स्कूल है क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दे रखी है स्पोर्ट्स के लिए एंड ऑल। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग स्कूल भी है, अंदर दिख रहे होंगे आपको शायद। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टेड होता है वो यहाँ पे आके सीख भी सकता है। वाह यार, क्या नेचर लग रहा है, सच में खतरनाक ही लग रहा है। बादल देखो वहाँ पे यार, एक्सट्रीम लेवल के अच्छे लग रहे, एक्सट्रीम लेवल। आप सब लोग सोच रहे होंगे कहाँ खेतों में आ गए एकदम। सो मैं आपको बता दूं, जो मेरे घर का रास्ता होता है वो अगर मैं बाय रोड जाऊं तो दूर पड़ता है थोड़ा सा, यानी कि दो से तीन किलोमीटर के आसपास पड़ता है। लेकिन अगर मैं इन खेतों से आऊं, यानी कि चौपासना स्कूल के बैक साइड से आऊं, जो हमारा ग्राउंड है उसके मैं बैक साइड से आऊं, तो यहाँ पे कुछ फार्म हाउस आते हैं, उन फार्म हाउस से मैं निकल के फिर अपने घर बहुत जल्दी पहुँच सकता हूँ, इसलिए मेरी वॉकिंग भी अच्छी हो जाती है। नहीं तो फिर मेरे को बाइक ले जानी पड़ेगी वहाँ पर। इससे अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे वॉक करते करते आऊँ, थोड़ा सा ही नेचर का फील लूँ। एंड लिटरली यार, आप देखो यहाँ पे इतने ज़्यादा ना, ये देखो ये एकदम ना नेचर टाइप फील आती है। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन स्कूल में ना यहाँ से भी जाते हैं, जिनका घर आसपास है ना वो यहाँ से भी जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जल्दी से चलते हैं घर पे, डाइट कंज्यूम करते हैं, यानी कि प्री वर्कआउट कंज्यूम करते हैं। आई होप आपने मेरा प्री वर्कआउट वाला वीडियो देख लिया होगा। सो चलते हैं, रेडी होते हैं, और आज हम शोल्डर लगाने वाले हैं जिम के अंदर। सो मेरा शोल्डर, जिस दिन मेरा शोल्डर होता है उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है।
बाद मैं सो गया था क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। बॉडी ज़्यादा पेन क्यों कर रही थी वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। लिटिल बिट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोगों का शोल्डर वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में कोच ने हमारे को बोला कि आपको 100 दंड निकालने हैं, यानी कि जो पुशअप्स होते हैं पुशअप्स के दंड वो आपको निकालने हैं। तो हमने कैसे भी करके उसको कंप्लीट किया। उसके बाद में जो हालत थी, बॉडी की हालत थी, इवन जो भी आसपास थे, इवन एक दो जनों ने मुझे ऐसा बोला कि ये चेस्ट और आपका शोल्डर है वो फट जाएंगे, इतने ही ज़्यादा पंप हो गए थे। उसके बाद मैं आपको फ़ोटो भी यहाँ पे पिन करूँगा कि चेस्ट का एकदम पूरा शेप बन गया था। उसके बाद मैं एक इतना हैवी वर्कआउट करने के बाद में बहुत सारे टिश्यूज़ ब्रेक हुए थे बॉडी के, सो उनको रिकवर करने के लिए मेरे को इंस्टेंट आते ही मैंने खींचा, हाई प्रोटीन डाइट ली, देन उसके बाद में मैंने स्लिप कंसिडर करी, मेरे को थोड़ी बहुत रिकवरी मिली है। सो अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 5, यानी कि अब मेरा पढ़ने का टाइम है। सो अभी थोड़ा सा स्टडी करेंगे, वो वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैं वर्सेस वाला टैग लगाऊंगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो में उसको क्यों नहीं डाला जबकि सेम डे रिकॉर्ड हुआ था। यस, आप सही सोच रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और वो वीडियो 10 से 12 मिनट के बीच में था। सो उसको कट करने का भी मेरा मन नहीं किया था क्योंकि उसमें इतने अच्छे मोमेंट्स थे, यानी कि मोटिवेशन के और विल पावर के, बॉडी पावर के। सो मुझे कट करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, सो मैंने उसको वीडियो को एज इट इज ही रखा। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। कल अपलोड करूँगा वो मैं वीडियो, यानी कि जिस दिन मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अगले दिन नहीं, उसके भी अगले दिन। तो चलते हैं और मिलते हैं बाद में।